हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई एकेडमी। सो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? सिंपल कर्व। सो हम इन फिगर्स में देख लेते हैं कि सिंपल कर्व कौन कौन से होते हैं। सिंपल कर्व वो कर्व होता है जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे। सो हमारा फर्स्ट वाला फिगर क्या है? सिंपल कर्व। सो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1। सेकेंड वाला भी सिंपल कर्व है। थर्ड वाले में तो दो सर्कल है, सो इट इज नॉट सिंपल कर्व। फोर्थ वाला स्टार है, तो स्टार तो सिंपल कर्व में आएगा ही नहीं, क्योंकि सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। देन फिफ्थ वन इज सिंपल कर्व। देन सिक्स्थ वन इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। सेवन इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। और 8 का तो शेप ही क्या है पता ही नहीं। नाउ बी वाला जो है उसमें हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व बताने हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व में जो शेप्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं बाय लाइन सेगमेंट से और बाय अ कर्व्ड लाइन। या तो उसमें कर्व्ड लाइन होती है या फिर वो लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला फिगर है वो क्लोज्ड है और वो सिंपल भी है। देन सेकेंड वन इज ऑल्सो सिंपल एंड क्लोज्ड। देन फिफ्थ वाला भी सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। देन सिक्स्थ वन इट इज ऑल्सो सिंपल और क्लोज्ड। देन सेवेंथ वन इट इज ऑल्सो सिंपल और क्लोज्ड। नाउ पार्ट सी में पूछा गया है कौन कौन से फिगर्स इनमें से पॉलीगन है। सो पॉलीगन मीन्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो आप देखिए फिगर्स में कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स से कर्व बने हुए हैं। एक तो फर्स्ट फिगर है एंड सेकंड फिगर, ये दोनों क्या है हमारे? पॉलीगन। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। नाउ पार्ट डी में पूछा गया है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनके बाहर साइड पे डायगोनल्स ना हो। तो इसमें से कौन सा फिगर है जिसके बाहर साइड पे डायगोनल्स नहीं बन पाएंगे? सेकंड फिगर। सो हमारा आंसर क्या होगा? 2। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें बताना है इन फिगर्स में से कॉनकेव पॉलीगन कौन से हैं। सो कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसका एक या एक से ज्यादा इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से ग्रेटर देन हो। तो ये कौन सा है? ये सिर्फ हमारा फर्स्ट फिगर है जिसका वन इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। How many diagonals does each of the following have? A convex quadrilateral, a regular hexagon, a triangle? Question में बोला गया है कि convex quadrilateral, regular hexagon और triangle के कितने diagonals होते हैं? So diagonal क्या होते हैं? Diagonal एक line segment होता है जो polygon की non-consecutive vertices को जोड़ता है। सो फर्स्ट वाला हमें बताना है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं। सो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। एक ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। नाउ हमें बताना है कि इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। सो एक तो ये डायगोनल हो जाएगा और एक ये वाला। दैट मींस इसमें कितने डायगोनल हो सकते हैं? 2 डायगोनल्स। Now coming to part B, a regular hexagon. Hexagon क्या होते हैं? Hexagon वो polygon होते हैं जिनकी 6 sides होती हैं। So सबसे पहले हम hexagon draw कर लेते हैं। So ये हमारा hexagon है। अब हम इसमें देखते हैं कितने diagonals बन सकते हैं। सबसे पहले A को B से मिलाने की कोशिश करिए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये already बना हुआ है। नाउ अब आप A से C तक एक डायगोनल बनाइए।
देन ए से डी तक बनाइए, देन ए से ई तक एंड ए से एफ तक तो ऑलरेडी बना हुआ है. नाउ अब आप एफ पॉइंट लीजिए, एफ से ए तक डायगोनल बनाइए, नहीं बनेगा क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है. नाउ एफ से बी तक बनाइए, देन एफ से सी तक, एफ से डी तक एंड एफ से ई तक नहीं बनेगा. नाउ अब आप ई पॉइंट ले लीजिए, ई से एफ तक नहीं बनेगा, ई से ए तक ऑलरेडी बना हुआ है, देन आप ई से बी तक बनाइए, फिर आप ई से सी तक बनाइए, ई से डी तक नहीं बनेगा. नाउ आप डी पॉइंट ले लीजिए, डी से ई तक नहीं बनेगा, देन डी से एफ ऑलरेडी बना हुआ है, डी से ए ऑलरेडी बना हुआ है, देन आप बनाइए डी से बी. डी से सी ऑलरेडी बना हुआ है. नाउ आपके इसमें कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? हियर द डायगोनल्स आर ए डी, ए ई, बी डी, बी ई, एफ सी, एफ बी, ए सी, ई सी एंड एफ डी. सो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. दैट मीन्स अ रेगुलर हेक्सागोन हैज 9 डायगोनल्स. नाउ कमिंग टू पार्ट सी, अ ट्राइंगल. सो हमें बताना है कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होंगे. ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं? जो दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ें, और यहाँ पे कोई भी दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस नहीं है. दैट मीन्स अ ट्राइंगल हैज नो डायगोनल. Because there are no two consecutive vertices. Coming to question number 3, what is the sum of the measure of the angles of a convex quadrilateral? Will these property hold if the quadrilateral is not convex? Make a convex quadrilateral and try. Question says, convex quadrilateral ka sum kitna hoga? Aur jo ye property hai, क्या ये प्रॉपर्टी तब भी अप्लाई होगी जब क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं हो? सो हमें एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और ट्राई करना है. हम लोग को पता है क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि चार साइड्स. ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी. सो ए बी सी डी ये जो है हमारा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें हम एक डायगोनल बना देते हैं और इनको एंगल्स में नाम दे देते हैं. ये वन एंगल, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स. नाउ एबीसीडी जो है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है और ये टू ट्राइंगल से बना हुआ है. So, ABCD is a quadrilateral
कॉन्वेक्स मेड ऑफ टू ट्राइंगल्स. ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी. सो हमें पता है कि ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल is 180 degree. So angle 6 plus angle 5 plus angle 4 equals to 180 degree. Angle sum property. Now same angle 1, angle 2 and angle 3 is 180 degree. Angle sum property. Now we add both the equation. So when we adding, we get angle 6 plus angle 5 plus angle 4 plus angle 1 plus angle 2 plus angle 3. So angle 6 plus angle 5 plus angle 4 equals to 180 degree and angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. That means 180 equals to 360 degree. So hence the sum of measures of triangle of a convex quadrilateral is 360 degree. क्वेश्चन में पूछा गया था अगर क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स होगा तो भी उसका सम 360 ही आएगा क्या? तो इसका आंसर है यस. इवन इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स देन दिस प्रॉपर्टी अप्लाई. हम एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. ये हमारा एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है. देन हम इसमें बी और डी को ज्वाइन कर देते हैं. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, this is 3, 4, 5 and 6. Now using angle sum property, angle ABD, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. Angle sum property. Now taking triangle BCD, so angle 4 plus angle 5 plus angle 6 equals to 180 degree, that is angle sum property. By adding we get
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6. नाउ एंगल 1 2 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 5 6 इज आल्सो 180 डिग्री. सो 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री. दैट मींस अगर क्वाड्रिलेटरल नॉन कॉन्वेक्स है तो भी ये जो प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की वो वहां पे अप्लाई होगी. हैंस प्रूव्ड. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल. ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट. What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides? Question में कहा गया है कि जो ये table दिया है इसे हमें examine करना है और अगर convex polygon की number of sides इतनी होंगी तो हम उनके बारे में क्या बोलेंगे? Table से हमने क्या observe किया कि जो angle है, the angle sum of a convex polygon of n sides is n minus 2 into 180 degree. So hamara first part hai 7 sides, that means n equals to 7. Now angle sum of polygon that is n minus 2 into 180 degree. So here n is 7 minus 2 into 180 degree. That means 5 into 180 degree. So 900 degree. Part B, 8 sides. That means n equals to 8. Angle sum of polygon so n minus 2 into 180 degree. So n equals to 8 minus 2 into 180 degree. 8 minus 2 equals to 6 into, so 6 into 180 degree equals to 1080 degree. Now coming to part C, 10 sides. So n equals to 10. Now angle sum of polygon n minus 2 into 180 degree. So here n is 10 minus 2 into 180 degree. That means 8 into 180 degree. So 180 into 8 equals to 1440 degree. Now coming to part D, that is n sides. So n equals to n, then angle sum of polygon is n minus 2 into 180 degree. Now coming to question number 5, what is regular polygon? State the name of regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. Question says regular polygon क्या होते हैं और हमें बताना है जिनकी 3 sides होती हैं उस polygon को क्या बोलते हैं, 4 sides को क्या बोलते हैं एंड सिक्स साइड्स वाले पॉलीगन्स को क्या बोलते हैं. रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी
इक्वल साइड्स हो, इक्वल एंगल्स हो, उनको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज थ्री साइड्स। सो थ्री साइड्स किसकी होती हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट इज 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। नाउ पार्ट सेकेंड, फोर साइड्स। सो फोर साइड्स किसकी होती हैं? स्क्वायर की। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल इक्वल होते हैं। दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ पार्ट थ्री, दैट इज सिक्स साइड्स। सो सिक्स साइड्स किसकी होती हैं? हेक्सागोन की। इसके एंगल्स होते हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। सो ये क्या होता है? हेक्सागोन। दैट मींस थ्री साइड किसकी होती हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। फोर साइड्स जो होती हैं वो स्क्वायर की होती हैं और सिक्स साइड्स हेक्सागोन की। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। नाउ क्वेश्चन सिक्स में एक्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट फिगर दिया हुआ है जिसकी फोर साइड्स हैं, दैट मींस वो क्वाड्रिलेटरल है। यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और जो एंगल नहीं दिया है हम उसे एक्स मान लेते हैं, इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो आएगा 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ एक्स को हम यहीं रहने देते हैं, 300 को राइट साइड में ले जाते हैं। सो प्लस को 300 राइट साइड में जाके माइनस 300 हो जाएगा। दैट मींस एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। कमिंग टू पार्ट बी, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस वाले फिगर में हमें एक्स फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं इनको, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। सो हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है? एंगल बी इक्वल्स टू एक्स, एंगल सी इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल डी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो एडी के ऊपर लाई कर रही है और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और इस वाले एंगल को हम 1 मान लेते हैं। सो 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। नाउ एंगल 1 को हम यहीं रहने देते हैं, 180 डिग्री 90 डिग्री को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मींस हमारा एंगल ए कितना है? 90 डिग्री। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी,
वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो हमारा एंगल ए क्या आया था 90 डिग्री. एंगल बी है हमारा एक्स, एंगल सी है 70 डिग्री, एंगल डी है 60 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. 90 प्लस 70 इक्वल्स टू 160 एंड 160 प्लस 60 इक्वल्स टू 220 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री. नाउ एक्स को हम यही रहने देते हैं और 220 को हम राइट साइड में ले आते हैं. सो एक्स 360 में से 220 जाएंगे तो बचेगा 140 डिग्री. दैट मीन्स जो हमारे एक्स की वैल्यू है वो है 140 डिग्री. नाउ कमिंग टू पार्ट सी. पार्ट सी में भी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई. नाउ हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है. एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी एक्स डिग्री, एंगल सी नहीं दिया हुआ है, एंगल डी भी नहीं दिया है और एंगल ई जो है वो है एक्स डिग्री. इसको हम एंगल वन नाम दे देते हैं और इसको एंगल टू. नाउ 70 डिग्री प्लस एंगल वन इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. सो एंगल वन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट मीन्स एंगल वन हमारा आ जाएगा 110 डिग्री. नाउ ऐसे ही हम एंगल टू निकाल लेते हैं. एंगल टू प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. एंगल टू 180 डिग्री, 60 डिग्री को राइट हैंड साइड में ले आएंगे सो हमारा एंगल टू आ जाएगा 120 डिग्री. दैट मीन्स हमारा एंगल सी है 110 डिग्री और एंगल डी है 120 डिग्री. नाउ देखिए जो ये हमारा फिगर है वो पॉलीगन है. सो इसकी कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 5 साइड्स. सो हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ एंगल्स. सो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी है, 5, एंड सम ऑफ द एंगल्स कितने होंगे, एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री. सो एन है हमारा 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 3 इंटू 180 डिग्री. सो 3 का 180 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 540 डिग्री. दैट मीन्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 540 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 540 डिग्री. सो हमारा एंगल ए है 30 डिग्री, एंगल बी है एक्स, एंगल सी हमारा आया 110 डिग्री, एंगल डी था 120 डिग्री, एंगल ई है एक्स इक्वल्स टू 540 डिग्री.
सो 30 एंड 110 इक्वल्स टू 140 डिग्री, 140 एंड 120 इक्वल्स टू 260 डिग्री, x और x हो जाएंगे 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री, देन 2x को हम यहीं रहने देते हैं और 260 को हम राइट साइड में ले जाते हैं, सो 2x इक्वल्स टू 540 में से 260 जाएंगे तो बचेगा 280। नाउ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 280 अपॉन 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 0 का 0, दैट मीन्स हमारा x आ गया 140 डिग्री। कमिंग टू पार्ट डी, पार्ट डी में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ये फिगर है वो है रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सो सबसे पहले हम सम ऑफ द एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। सो हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, सो हमारी नंबर ऑफ साइड्स है 5, सम ऑफ द एंगल्स एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, सो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 3 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 540 डिग्री। सो हमारा सम कितना आ गया 540 डिग्री। नाउ इन पॉलीगन हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई। सो इन पॉलीगन ए बी सी डी ई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो एंगल ए है हमारा x, एंगल बी इज ऑल्सो x, सी इज x, डी इज x, एंगल ई इज ऑल्सो x इक्वल्स टू 540 डिग्री, दैट मीन्स 5x इक्वल्स टू 540 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 540 अपॉन 5, 5 1 5, 5 1 5। नाउ जब भी हम दो नंबर साथ में लेते हैं तो बीच में जीरो लग जाता है, 5 8 40, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 108 डिग्री। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस y प्लस z। इस क्वेश्चन में हमें x प्लस y प्लस z फाइंड करना है। सो दिस इज आवर फिगर, सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, दैट इज एंगल ए बी सी, इसको हम एंगल 1 नाम दे देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल 1 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स हमारा एंगल 1 आ जाएगा 60 डिग्री। सो हमारा एंगल 1 कितना आ गया 60 डिग्री। नाउ हम एंगल x फाइंड कर लेते हैं, सो एंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, सो एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ हम एंगल y फाइंड कर लेते हैं इसी तरीके से, एंगल y प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर,
सो एंगल वाई 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो हमारा एंगल वाई आ जाएगा 120 डिग्री। नाउ हम एंगल जेड फाइंड कर लेते हैं। सो एंगल जेड प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो एंगल जेड 180 माइनस 30 डिग्री, सो हमारा एंगल जेड आ जाएगा 150 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। सो हमारा एंगल एक्स था 90 डिग्री, एंगल वाई है 120 डिग्री एंड एंगल जेड है 150 डिग्री। सो 90 और 120 हो जाएंगे 210, 210 एंड 150 हो जाएंगे हमारे 360 डिग्री। दैट मीन्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू। सो सबसे पहले हम फिगर की नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी एंड डी। देखिए ए बी सी डी इसकी फोर साइड्स हैं, दैट मींस ये जो फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल है। सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इस वाले एंगल को हम 1 मान लेते हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ एंगल ए है हमारा 60 डिग्री, एंगल बी को हमने 1 मान लिया, एंगल 1 सपोज किया है, और एंगल सी है हमारा 120 डिग्री और एंगल डी है हमारा 80 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 60 प्लस 120 180, 180 प्लस 80 इक्वल्स टू 260 डिग्री। सो 260 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, सो एंगल 1 इक्वल्स टू 100 डिग्री। दैट मीन्स जो हमारा ये वाला एंगल है वो है 100 डिग्री। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एंगल एक्स प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो हमारा एंगल एक्स आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट मींस एंगल एक्स आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। नाउ हम एंगल वाई फाइंड कर लेते हैं। एंगल वाई प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। सो एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट मीन्स एंगल y इक्वल्स टू 100 डिग्री। नाउ हम एंगल z ले लेते हैं। एंगल z प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर। सो एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, सो एंगल z इक्वल्स टू 120 डिग्री।
नाउ हम एंगल डब्ल्यू फाइंड करते हैं. एंगल डब्ल्यू प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. एंगल डब्ल्यू 180 माइनस 100 डिग्री, सो एंगल डब्ल्यू इज 80 डिग्री. नाउ हमें फाइंड क्या करना था, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स है हमारा 60 डिग्री, वाई 100 डिग्री, जेड है 120 डिग्री एंड डब्ल्यू है 80 डिग्री. दैट मीन्स 60 प्लस 100 160 डिग्री, 160 एंड 120 इक्वल्स टू 280 डिग्री, 280 प्लस 80 इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो हमारा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू है 360 डिग्री. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.